एक बार स्टार्टिंग से आते हैं, फ्रेक्शनल डिफ्रेक्शन, व्हाट इज डिफ्रेक्शन, मैंने बताया ऑब्स्टेकल जब लाइट रे को करता है तो उसका जो पैटर्न जनरेट होता है स्क्रीन पर वो डिफ्रेक्शन पैटर्न क्यों होता है ये मैंने डिस्कस किया था। फ्रेक्शनल ने हाइगेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस किया और बताया कि जब सेकेंडरी वेवलेट्स का इंटरफेरेंस होता है तब ये डिफ्रेक्शन पैटर्न जनरेट होता है और प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अब इसके टाइप्स पर आते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस होता है सॉरी डिफ्रेक्शन होता है, फ्रेक्शनल डिफ्रेक्शन और फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेक्शनल डिफ्रेक्शन। फ्रेक्शनल डिफ्रेक्शन क्या होता है? The source of light and the screen are at finite distance from the obstacle. बीच में कोई obstacle होगा, एक तरफ से light आ रही होगी, एक तरफ screen होगी। Obstacles, screen का distance या source का distance, इनमें से कोई एक finite distance पर, इसको हम measure कर सकते हैं। या दोनों के दोनों distance पर हो। जब इस तरह से पैटर्न बनेगा वो कहलाएगा फ्रेक्शनल या फ्रेक्शनल डिफ्रेक्शन। दूसरा फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन, बीच में ऑब्स्टेकल लाइट बहुत दूर से आ रही है, सपोज सन से लाइट आ रही है तो मैंने इनफाइनाइट माना और डिफ्रेक्शन पैटर्न भी बहुत दूर से जनरेट किया। तो अगर सोर्स और स्क्रीन ऑब्स्टेकल से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे तब जो पैटर्न हम डिस्कस करेंगे वो आता है फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन। आप समझ गए? पैनल में स्क्रीन सोर्स पास पास होते हैं, फ्राउनहोफर में स्क्रीन और सोर्स दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं। अब देखिए कि द वेव फ्रंट आर सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल। क्या होता है वेव फ्रंट्स जो है वो या तो स्फेरिकल होगा या सिलेंड्रिकल होगा। क्यों ऐसा होता है? सोर्स के नजदीक अगर पॉइंट सोर्स है, सोर्स के नजदीक वेव हमेशा स्फेरिकल होता है और अगर लीनियर सोर्स है तो सोर्स के नजदीक हमेशा वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल होता है। फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन में वेव फ्रंट हमेशा प्लेन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन होती है ऑब्स्टेकल से सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो जब सोर्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हम वेव फ्रंट को देखते हैं तो वो प्लेन होता है। चाहे तो इनको आप नोट कर सकते हैं फ्रेक्शनल डिफ्रेक्शन में ऑब्स्टेकल से फाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं, यहाँ इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं सोर्स और स्क्रीन। फ्रेक्शनल डिफ्रेक्शन में वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल होता है। फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन में वेव फ्रंट प्लेन होता है। समझ रहा हूँ कि आपको यह क्लियर हो गया। तो सबसे पहले डेटा लिखेंगे आप, उसके बाद इनके बारे में जानेंगे। यहाँ पर एक बात समझ लेना बहुत जरूरी है, जो क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आएगा डिफ्रेक्शन क्या है, फ्रेक्शनल क्रॉस और फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन में क्या डिफरेंस है, इस तरह से भी आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन में क्या अंतर होता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कभी डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन में क्या अंतर होता है और इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन पैटर्न कितने प्रकार का होता है। ठीक है, हो गया आगे चले। Yes.
बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज फ्रेनल हाफ पीरियड जोन, ये फुल क्वेश्चन आता है अक्सर कि फ्रेनल हाफ पीरियड जोन क्या है। फ्रेनल हाफ पीरियड जोन के कारण स्क्रीन पर इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूले का या सूत्र का निगमन कीजिए। तो फ्रेनल हाफ पीरियड जोन से कल्पना की उन्होंने वेव फ्रंट को डिवाइड करना, फ्रेनल ने वेव फ्रंट को स्मॉल रीजन्स में डिवाइड किया, उन्हीं रीजन्स को हम हाफ पीरियड जोन्स कहते हैं। तो इन्होंने डिवाइड करने के लिए तीन पॉस्टुलेट्स दिए, थ्री पॉस्टुलेट्स। पॉस्टुलेट नंबर वन क्या है जो आप देख रहे हैं, द गिवन वेव फ्रंट इनटू अ नंबर ऑफ ईच स्मॉल वेव फ्रंट को डिवाइड किया रीजन्स में और एक रीजन को इन्होंने कहा जोन। Each zones are such that there is a phase difference of pi. Pi का phase difference part हुआ कि t by 2 का time difference हुआ। t by 2 का मतलब half ये time period का आधा है, इसीलिए इसको half period बोलते हैं, ठीक है? इन्होंने zones को इस तरह से divide किया कि पहला zone, दूसरा zone, तीसरा, चौथा, इनके बीच आपस में pi का phase difference आए या t by 2 का difference आए। तो t by 2 का मतलब half time period, इसीलिए आ गया हाफ पीरियड जोन। इसका अर्थ हुआ कि जब इन जोन से लाइट पॉइंट पी पर पहुंचेगी स्क्रीन में, तो कंसेक्यूटिव जोन पर पहुंचने वाली लाइट्स आउट ऑफ फेस हो, पहली फेस में तो अगले वाले जोन से पहुंचने वाली लाइट पाई आउट ऑफ फेस, फिर अगली वाली, फिर पाई आउट ऑफ फेस। सेकेंड पॉस्टुलेट क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन due to the entire wavefront is equal to the algebraic sum of displacement at the point due to secondary wavelet emitted from each point. Screen पर जो wavefront के displacement आए, उन्होंने बताया कि secondary wavelet जो emit हो रही है उन individual secondary wavelets के कारण अलग अलग जो displacement है उसका algebraic sum इसके बराबर हो। हाफ पीरियड जोन क्यों कहते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछते हैं, क्योंकि कंसेक्यूटिव जोन्स को इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि उनके बीच पहुंचने वाली लाइट स्क्रीन पर पाई फेज डिफरेंस से पहुंचे या टी बाय टाइम डिफरेंस। एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट ए पॉइंट ड्यू टू द जोन डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स। अब तीसरे पॉस्टुलेट में ये कहा गया कि जो डिस्प्लेसमेंट स्क्रीन पर पहला फैक्टर कौन सा है, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ वेव फ्रंट टू द पॉइंट। वेव फ्रंट का पोल और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उस पर, नंबर दो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द जोन स्क्रीन का कितना डिस्टेंस है जोन से उस पर डिपेंड करेगा, और तीसरा एरिया ऑफ जोन पर। आप लोग को पढ़ना है हाफ पीरियड जोन क्या होते हैं और उनके पॉस्टुलेट्स क्या है। एबीसीडी एक वेव फ्रंट है, सभी को पिक्चर क्लियर हो रही है, दिख रहा है ये? यस सर, यस सर। एबीसीडी एक वेव फ्रंट है, अब इसको कई छोटे छोटे वेव फ्रंट में डिवाइड किया गया हाफ पीरियड जोन्स में। पहला हाफ पीरियड जोन्स ये सर्कुलर है, इसकी रेडियस ओ एम वन है। दूसरा वाला ये सर्किल है पीरियड जोन, तीसरा पीरियड जोन सेंटर, इनके सेंटर से स्क्रीन का डिस्टेंस स्मॉल बी है, ये पी पॉइंट पर स्क्रीन है, ठीक है? आप देख रहे हैं कि एम वन पॉइंट से अगर P की डिस्टेंस देखी जाए तो P प्लस लैम्डा बाई टू होगा, क्यों? क्योंकि T बाई टू टाइम पीरियड के बाद जब वेव पहुंचेगी तो आधी वेव और पहुंचेगी वहां पर एक्स्ट्रा, आधी वेव का मतलब है लैम्डा बाई टू बढ़ जाएगा, है ना? समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? ओके, P इक्वल टू है OP इक्वल टू है B, तो M1 से डिस्टेंस कितना होगा B प्लस लैम्डा बाई टू, M2 से डिस्टेंस कितना होगा B plus 2 lambda by 2, B plus 3 lambda by 2, 4 lambda by 2,
और एनवा सर्किल अगर ले लें तो बी प्लस एन इंटू लेमडा बाई टू डिस्टेंस क्लियर एरिया ऑफ ए हाफ पीरियड से हाफ पीरियड जोन का एरिया निकालते हैं ये क्वेश्चन भी आता है शो दैट व्हाट आर द हाफ पीरियड जोन्स एंड शो दैट द एरिया ऑफ ए हाफ पीरियड जोन्स इज कॉन्स्टेंट आप देखेंगे कि सभी हाफ पीरियड जोन्स का एरिया कॉन्स्टेंट आएगा ऐसे पहला हाफ पीरियड जोन जिसका रेडियस ओ एम वन तो एक ट्रायंगल ओ एम वन पी यहाँ पर एम वन पी इसका कर्ण होगा ओ पी आधार होगा ओ एम वन लंब होगा तो यहाँ पर एम वन निकालना है या एम में हाफ पीरियड जोन के लिए ओ एम एन निकालना है तो पाइथागोरस लगाएंगे ना एम एन पी स्क्वायर इक्वल टू कितना है बी प्लस एन लैम्डा बाई टू होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको सिंप्लीफाई किया सिंप्लीफाई करने के बाद बी एन लैम्डा प्लस एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई फोर आया ठीक है इसी तरह से अगर एन माइनस वन में सर्किल के लिए निकाले जहां एन है वहां पर एन माइनस वन करें आर एन माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू बी एन माइनस वन इंटू लैम्डा प्लस एन माइनस वन होल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर अब अगर हम आर एम रेडियस वाले सर्किल का एरिया ठीक है और एन माइनस वनथ सर्किल का एरिया घटा दें तो एनवे का एरिया आ जाएगा ठीक है ना एनवे रिंग का एरिया आ जाएगा तो यहाँ पर एनवे जोन का एरिया निकालने का क्या तरीका है एरिया ऑफ एनथ सर्किल माइनस एरिया ऑफ एन माइनस वनथ सर्किल सर्किल का एरिया पाई आर एन स्क्वायर माइनस पाई आर एन माइनस वन स्क्वायर तो आर एन की वैल्यू ये और आर एन माइनस वन स्क्वायर की वैल्यू ये दोनों को सब्स्टिट्यूट किया सॉल्व कर लिया सॉल्व करने के बाद आपको चाहे तो सॉल्व कर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे
क्यों निकला? R माइनस आर एन माइनस वन, पिछले इक्वेशन से आर एन और आर एन माइनस वन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, स्क्वायर रूट आप देख रहे हैं कि आर एन स्क्वायर, अगर हम ये लैम्डा स्क्वायर वाले टर्म को निग्लेक्ट कर दें तो आर एन इक्वल टू स्क्वायर रूट बी एन लैम्डा, और आर एन माइनस वन इक्वल टू स्क्वायर रूट बी एन माइनस वन लैम्डा। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन ये भी आता है कि सिद्ध करिए कि हाफ पीरियड जोन का रेडियस उसके ऑर्डर के या इंटीग्रल मल्टीपल के स्क्वायर रूट के समानुपाती होता है, आर एन प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट एन। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, सिद्ध करिए आर एन प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट एन। तो हमें चौड़ाई निकली माइनस आर एन माइनस स्क्वायर रूट की लैम्डा कॉमन ले लिया, स्क्वायर माइनस एन माइनस वन यहाँ बचा है, एन इक्वल टू वन रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, आर वन इक्वल टू स्क्वायर रूट बी लैम्डा, आर टू माइनस आर टू सॉल्व करेंगे 0.414 स्क्वायर रूट बी लैम्डा, एन इक्वल टू थ्री के लिए आर थ्री माइनस आर टू इक्वल टू स्क्वायर रूट बी लैम्डा 0.317 बी लैम्डा। तो इस प्रकार से हमने एक जनरल फार्मूला निकाल लिया एनर्थ जोन की चौड़ाई के लिए। तो ये फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी पूछते हैं एनर्थ जोन की चौड़ाई के लिए सूत्र का निगमन करिए। तो ये आ जाएगा अंडर रूट बी लैम्डा स्क्वायर रूट एन माइनस स्क्वायर रूट एन माइनस। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस में पूछा गया था कि कैलकुलेट द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एनएफ जोन फ्रॉम पॉइंट पी, एनवे जोन की स्क्रीन पर पॉइंट पी से एवरेज दूरी जो है वो कैलकुलेट करें। तो एनवे जोन की दूरी देखिए, पी एम एन क्या है, पी एम एन का मतलब है एनवे जोन का किनारा, वहां से पी पॉइंट पी बाहर वाला किनारा। तो पी एन माइनस वन क्या है कि बाहर वाले जोन का अंदरी किनारा, वहां से दूरी, ठीक है, अंदरी किनारा या एक जोन पहले की दूरी। एवरेज डिस्टेंस पी पी एम एन प्लस पी एम एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। पी एम एन हम फिगर पे देखते हैं, बी प्लस एन पी एम एन इक्वल टू, देखिए पी एम एन, पी एम एन कितना है, बी प्लस एन लैम्डा बाई टू प्लस एन लैम्डा बाई टू प्लस पी एम एन माइनस वन का मतलब है एन की जगह एन माइनस वन रखो और सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद आएगा डी इक्वल टू पी प्लस टू एन माइनस वन लैम्डा बाई फोर। तो ये फॉर्मूला आ गया एवरेज डिस्टेंस ऑफ एनर्थ जोन फ्रॉम पॉइंट पी। इस फॉर्मूले को भी आप डेरिवेशन के लिए याद रखें, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड एट ए पॉइंट, एम्पलीट्यूड एट ए पॉइंट पी ड्यू टू जोन, पर जो एम्पलीट्यूड आएगा यहाँ एम्पलीट्यूड को ए से नाप रखें, कुछ किताबों में ए से लिया है कुछ किताबों में आर से रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर हम करता है ये प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एम जोन प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द जोन। एरिया ऑफ द जोन कितना था, पाई आर स्क्वायर, आर एन प्रोपोर्शनल टू पाई और आर एन स्क्वायर का मतलब बी लैम्डा प्लस टू एन माइनस वन लैम्डा स्क्वायर बाई फोर, ओके। एंड नंबर नंबर वन आर एन प्रोपोर्शनल टू दिस, नंबर टू प्रोपोर्शनल टू वन प्लस कॉस थीटा एन, एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लाइन ऑफ द जोन। Which the amplitude of the point P decreases. And proportional to this. Tisra aayega, amplitude is inversely proportional to the average distance of the point P from the zone. Point P distance kitna hai?
जो अभी पीछे निकाल चुके हैं, एवरेज डिस्टेंस b प्लस 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 4, ठीक है, 1 अपॉन b प्लस 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 4, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें आपने देखी कि एम्पलीट्यूड किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, पहला एरिया पर, दूसरा इंक्लाइनेशन पर, और तीसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल एवरेज। अगर हम बता देते हैं तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो फॉर्मूला कुछ इस तरह का आ जाएगा। तीनों को कंबाइन करने के बाद आर एन पोस्टल टू पाई बी लैम्डा प्लस टू एन माइनस वन लैम्डा स्क्वायर बाई फोर डिवाइड बाई बी लैम्डा बाई फोर इनटू वन प्लस फर्स्ट थीटा। ओके, आ जाएगा।
की गई डायरेक्ट यहाँ आते आर इक्वल टू आर वन बाई टू प्लस आर एन बाई टू, आर एन बाई टू को निगलेक्ट कर दिया, चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है, ये डिपेंड करेगा अगर इवन है तो प्लस के साथ आएगा, ऑड है तो माइनस के साथ आएगा, तो आर इक्वल टू आर वन बाई टू। यहाँ आप देख रहे हैं आर इज द टोटल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू द कंप्लीट वेव फ्रंट, ओके, विच इज इक्वल टू द फर्स्ट जोन, यानी कि फर्स्ट जोन जितना एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस कर रहा होगा उसका हाफ टोटल एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होगा। तो बस ये प्रूव कराते हैं जोन्स क्या है, सिद्ध करिए कि टोटल एम्पलीट्यूड पी पॉइंट पर जो जितना प्रोड्यूस होता है वो पहले जोन के कारण प्रोड्यूस एम्पलीट्यूड का आधा होता है। तो इस तरह से आपने सीखा, इसमें कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ठीक से? अगर इसी फॉर्मूले को हम इंटेंसिटी के फॉर्म में लिखे तो आप लिखिए जरा आर प्रोपोर्शनल टू आई प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर स्क्वायर, इंटेंसिटी आई आई प्रोपोर्शनल टू आई प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर की वैल्यू रखी है तो ये हो जाएगा आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, है ना, आई प्रोपोर्शनल टू आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई। अगर पहले जोन के एम्पलीट्यूड का आधा होता है तो प्रूव कर सकते हैं, या अगर पूछा जाए कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी पहले जोन के कारण इंटेंसिटी की एक चौथाई होती है तो आप इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट, तो इस तरह से आज यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट जो आता है पार्ट वो होता है जोन प्लेट, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जोन प्लेट। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेरी कर सकते हैं।